चलिए सबसे पहले ट्राई करता हूँ ये ना जी। ये मेरे लिए जी सर, आपके चलो नमक वगैरह नमक सर यहाँ हाँ हो जाएगा। लगाया है? हाँ सर लगाया लगाया हुआ है जी, लगाया। अच्छा पक गया ना ये? हाँ सर बॉईल करके पकाया है। अच्छा अच्छा वाला मुर्गी का है ना? अच्छा वाला मुर्गी खाइए। वाह बहुत टेस्टी है। ये दुकान का नाम कुछ है? नहीं सर दुकान का नाम तो अभी तक नहीं बनाया है। नहीं बनाया बात कर लीजिए, यहाँ वो भी था पोस्टर भी टंगा देगा। दुकान का नाम बनाना चाहिए ना, थोड़ा बात को सर बनाएगा। अच्छा बात है ना जी। चलो ठीक होता है, फोन पे भी होता है जी सर? फोन पे सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। चलो बहुत टेस्टी बनाया, क्योंकि हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हमारा यंग जो लड़का है जो कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा हमने इससे पहले एक न्यूज़ चलाया था, न्यूज़ नहीं है, मैं उन तमाम बच्चों को जो है प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ ऐसे काम करने वालों को, और अपने जो लोकल जो जनता है ना जो पब्लिक है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को इंकरेज करना चाहिए। गिर गया। क्योंकि क्या होता है कि सब लोगों के पास हो सकता है कि बड़ा बड़ा होटल में जाने का पैसा ना हो, अगर जो लोग पैसा बड़ा बड़ा होटल में पैसा कुछ खाने के लिए परिवार के साथ जाता भी है तो कभी यहाँ भी मुड़कर देखना चाहिए कि यहाँ किस प्रकार से जो लड़का जो यंग जो लड़का है ना वो मेहनत कर रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है रोस्टिंग, ये भी एक रोस्टिंग पॉइंट है। लोकेशन हम लोग बात करेंगे, टेनिस कोर्ट को तो सभी लोग जानता है, टेनिस कोर्ट जहाँ पे आप धरना करते हो, रैली करते हो, हंगर स्ट्राइक करते हो, उसके जस्ट ऊपर में जो हाईवे है ना इसी में ये लोकेटेड है। तो इन बच्चों को यानी इन लड़का को भी जो है साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको साथ दिया जाता है तो ये जो है आने वाला समय में अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे कि शाम को किस प्रकार ये निकल के ये अपना बिजनेस चालू किया हुआ है। कितना दिन हो गया आपका? दो वीक ज़्यादा हो गया। चलो तो ये आप देखेंगे तो ऐसे अभी मैं एक पीस लिया हूँ, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ पहले से कि बहुत टेस्टी है। और यहाँ अगर आप आके जो इसका बनाया हुआ जो रोस्टिंग है ना इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, और इतना दाम भी नहीं है। अब बड़े बड़े हॉस्टल रेस्टोरेंट में जाता है तो आपको बहुत दाम में मिलता है, तो यहाँ एक बार आकर के आप इसको अगर मदद करेंगे ना तो इनको अच्छा लगेगा, खासकर उन तमाम युवाओं के लिए जो गलत डायरेक्शन में भटक गया है और जिसका परिवार में जो तमाम जो अपना बेटा बेटी है जो गलत रास्ते में जो चला गया है उनके लिए ये एक सीख है। तो इनको आगे बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि कहीं पढ़ाई करता होगा। इनको हम लोग थोड़ा सा पूछेंगे ये भाई जो है कहाँ पढ़ाई करता है। ये देखिए इस प्रकार मिक्सर करके जो है मिक्स करके कस्टमर को देता है, तो जब से मैं यहाँ पहले से आ रहा हूँ तो कस्टमर लगातार आ रहा है, तो एक तरफ से ये भी है कि शायद मैं बहुत लकी हूँ इनके लिए, जब से मैं यहाँ करा हूँ है ना कस्टमर बहुत आ रहा है। आपको समय नहीं मिल रहा है ना, इतना कस्टमर है। अभी भी देखो ये कस्टमर, ये दादा ने भी लिया है और यहाँ एक भाई वो भी रुका हुआ है, उसका यहाँ पैकिंग चल रहा है, ये दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ ऐसे मिला कर जो है फिर ये यहाँ डाल देता है ना। अच्छा अच्छा चलो चलो, उसमें नमक मिर्चा जो भी है मिलाना है जो मिला दिया है, तो अभी इसको पैकिंग मतलब पैक कर देंगे फिर इसको पॉलीथीन में दे देंगे। देखिए देखिए धनिया है ना जी सर? हाँ हाँ चलो बढ़िया। ये देखिए अभी ये घर पहुँच के भी गर्म ही होगा है ना? हाँ तो ये पॉलीथीन, तो चलिए ये देखिए। हाँ क्या क्या नाम है? बगंग तकर सर। बगंग तकर जी। कहाँ से हो? सेपा इसकामिंग से। इसकामिंग कहाँ पढ़ाई करते हैं सर? चंदन नगर में कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज जी। और क्या बीए है ना, क्या कर रहा है आप? बीए कर रहा है सर अभी, 4 PM से लेकर के इसका बाद रात का 8:30 शाम के इतना तक बैठता है। मीट का ऊपर में डिपेंड करता है, मीट जितना जल्दी खत्म होगा उतने जल्दी बंद हो जाता है। अच्छा मतलब एक शाम के लिए लिमिटेड आप लेके आता है? जी सर लिमिटेड, खत्म हो जाता है तो पहले भी जा सकता है जी।
उससे पहले भी जाता है। चलो, अच्छा लगता है आपको काम करने में? जी सर, कर जी अच्छा लगता है। तो यहाँ से आपका जो पढ़ाई का तो खर्च तो निकल जाता है? हाँ सर, खुद का पॉकेट मनी वगैरह निकल जाता है ना। आप बाइक चलाते हैं? जी सर, ये बाइक मेरा है। बाइक चलाते हैं तो तेल का खर्चा तो निकल जाता है? हाँ सर, पेट्रोल मनी और नेटपैक वगैरह और जो नीचे से लेकर जो ऊपर तक जो कपड़ा ऊपर पहनने के लिए और फैन वगैरह सब कुछ हो जाता है, वो सब यहाँ से मैनेज हो जाता है। चलो, परिवार सब सेपा में है? मेरा यहाँ पे भी है। अच्छा, फैमिली लोग है ना, और जी बाकी लोग सेपा में भी सेपा में है। अच्छा लगता है ना? हाँ सर, अच्छा लगता है। चलिए, देखा ये है, मतलब इनसे मतलब दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए कि ये अभी आपने सुना ना, हमने लास्ट टाइम में जिसको पूछा था उनका भी ये कहना था कि जो क्लास जब कॉलेज जाता है ना उसका पॉकेट मनी जो है निकल जाता है, बाइक का तेल या फिर फोन में जो है इंटरनेट जो पैक लगाना हो वो निकल जाता है, पेन खरीदने के लिए निकल जाता है, किताब खरीदने कॉफ़ी खरीदने के लिए निकल जाता है और रेंट का भी भाड़ा निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। मैं उन तमाम लोगों से यानी जो ईटानगर कैपिटल रीजन में जो लोग रहता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका पास समय हो तो ऐसे में आ करके एक पीस लेकर भी अगर इसको प्रोत्साहन यानी इनको इंकरेज मिलता है तो ये बहुत आने वाला समय में अलग बिजनेस करने के लिए भी इंटरेस्ट होगा। तो दूसरा से डिपेंडेंट इतना नहीं होगा, ये खुद को पता चलेगा कि अगर खुद काम करता है तो इनको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप सभी को आ करके विजिट करना चाहिए और इनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। इनको सपोर्ट किया जाएगा तो ये जो है आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि जैसे सरकार कहता है कि मतलब खुद मतलब आत्मनिर्भर बनना है, तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि गुड वाइब्स में जो है ऐसे ही जो दूसरों को सिखाता है ना, ऐसे न्यूज़ को हम जो है आत्मनिर्भर यूथ में हम लोग डाल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं, खासकर जो यूथ जो है ना काम कर रहा है उसको आप लोग सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर आकर के विजिट कीजिए और यहाँ पर एक बार ये जो भाई है ना जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है इनको आप सपोर्ट कीजिएगा।